हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग HSTES 2020 की BE BTech इलेक्ट्रिकल हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी BE BTech BE फार्मेसी आपके HSTES कोई भी कोर्सेज हैं उसकी सीट अलॉटमेंट रिलीज हो गई है। मेक श्योर HSTES 2020 की सीट अलॉटमेंट रिलीज हो गई है। कैसे चेक करना है वो बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से चेक करके सही इन्फॉर्मेशन पाना है, यही आपका मकसद है। तो आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र में google.com ओपन करना है और वहाँ पे आपको लिखना है HSTES 2020 और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। इसे सर्च करेंगे, जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे नेट ऐप में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं HSTES 2020 और यहाँ पे लिखा हुआ है काउंसलिंग स्टार्टेड। ओके, एक्जैक्टली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेट ऐप में जाएंगे। ऑलराइट, जूम कर देता हूँ इसे 150%। तो यहाँ पे देख सकते हैं HSTES की जो सीट अलॉटमेंट है वो रिलीज़ हो गई है। सीट अलॉटमेंट रिलीज़ हो गया है अलग अलग कोर्सेज के लिए। 15 अक्टूबर 2020 को सीट अलॉटमेंट रिलीज़ हुआ है HSTES यानी एडमिशन HSTES बी फार्मेसी का जो सीट अलॉटमेंट है वो रिलीज़ हो गया 15 अक्टूबर 2020 को। एडमिशन जो है वो एडमिशन फॉर्म जो है वो डिफरेंट हरियाणा कोर्सेज के लिए एडमिशन को निकल चुका है। उससे पहले बता दूं कि जो सामने आपके फॉर्म है इसे ज़रूर चेक कर लेंगे, भर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नेट ऐप में जाएंगे, यहाँ पे आप अलग अलग कोर्सेज की जो सीट अलॉटमेंट है इसे चेक कर सकते हैं। पहले मैंने वीडियो बनाया था काउंसलिंग से रिलेटेड, जिसमें हमने काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को चेक किया था। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई थी, डेफिनेटली आप इसे चेक कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए, जूम कर देता हूँ 150%। यहाँ पे सीट अलॉटमेंट BE BTech बी फार्मेसी डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेटरल एंट्री और डिप्लोमा फार्मेसी। ओके, तो यहाँ पे BE BTech चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट काउंसलिंग राउंड वन करें। इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कीजिए, कौन से इंस्टीट्यूट में आपने फॉर्म भरा था, जो भी आपने भरा था यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम जिसमें भी आपने किया था उसका नाम यहाँ पे चेक करना है और यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक करना है। उसमें क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर, यहाँ पे उनका नाम, यहाँ पे उनका जेंडर, यहाँ पे आपका रैंक, यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपने क्या लिखा था, यहाँ पे कैंडिडेट, यहाँ पे अलॉटेड और यहाँ पे न्यू अलॉटमेंट वगैरह है। यहाँ पे अलॉटेड चॉइस है तो कौन सा चॉइस किया था आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे नाम है। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ओपन कर सकते हैं या फिर जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया वैसे। कोई डाउट है डेफिनेटली कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारे के सारे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।